नमस्कार, मैं हूं विनीत। आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज़। आज हमारे साथ पांवटा साहिब के समाज सेवी हेमंत शर्मा जी हैं, जिन्होंने पांवटा साहिब में समाज सेवा का जिम्मा उठाया है। हेमंत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। हेमंत शर्मा जी, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो समाज सेवा की तरफ आप कैसे आए? ऐसा है ना कि मैं एक बार किसी संस्कार में गया था जी, अंतिम संस्कार में किसी के थे हमारे लोकली, तो वहीं पर एक शव भी था, पहले ही उनसे पहले ही पड़ा हुआ था, जैसे कि उसका संस्कार हो रखा था पर फूल नहीं उठाए गए जी। तो मैंने पूछा, एक नीचे वहाँ पे रहता है बेचारा सिक्योरिटी वाला, उससे पूछा कि भाई शव इसके फूल नहीं उठाए गए, शांत है? तो उन्होंने बताया कि भैया ये लवारी शव था, तो अब तक इसका कमेटी ने इसके फूल उठाने नहीं आए कोई भी। जी, बस तब से मैंने सोच लिया कि चलो ऐसे तो मैं किसी को छोड़ा नहीं जा सकता, जी मैंने सोचा कि मैं ही करूँगा अब शव का। हेमंत जी, अभी तक आपने कितने अंतिम संस्कार किए हैं? मैंने अभी तक 18 संस्कार कर दिए, अंतिम संस्कार, और उनका जो भी क्रियाक्रम होता है पूरा प्रॉपर करा है जी। उनके अस्थियां भी प्रवाहित करी है यमुना नदी में अपनी जी। तो जैसे कि आपने एक अपनी संस्था भी अभी हाल ही में रजिस्टर करवाई है, हाँ जी, इसके बाद आपका क्या आगे की योजना रहेगी? मेरी योजना यही है अभी संस्था के रिगार्डिंग, एक तो सबसे पहले हमने शव वाहन डालना है जी। अभी हमारी हाल ही में मीटिंग हुई थी 2 तारीख को, जी 2 फरवरी 2019 को, तो उसमें हम जो 10 मेंबर हमने 10 मेंबर ने बैठ के इसमें यही एक प्रश्न रखा था कि शव वाहन होना चाहिए, क्योंकि पोंटा साहब में ना शव वाहन 10 से 5 ही चलता है जी। तो ये जो शव वाहन होगा ये 24 घंटे चलेगा? हाँ, ये 24 घंटे चलाएंगे हम। तो ये कब से मतलब जनता को आप समर्पित करोगे? ये तो अभी मैं समय नहीं बता सकता, ये तो जब भी होगा, तो वैसे तो हो ही जाएगा जल्दी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। हेमंत जी, इसके अलावा भी आप बहुत सी समाज सेवा करते हैं, वो किस तरह से आप करते हैं हमारे दर्शकों को आप बताएं। अभी मैं आजकल तो वैसे तो चला हुआ है, वैसे चला तो था ये 1 साल से जी, जितने मानसिक रोगी थे मैं उनको खाना खिलाता हूँ डेली, अच्छा, जो भी मेरे को मिल जाता है मैं उन्हें खाना जरूर खिलाता हूँ। और फिर उसके बाद जैसे अब सर्दियाँ बढ़ गई थी, पिछली बार भी सर्दी थी तब भी मैंने कपड़े पहनाए उन्हें डाले और कंबल वगैरह सब देता हूँ गरीब लोगों को आप? गरीब गरीब लोगों को भी देता हूँ, गरीब लोगों को जी, जितने भी कोई भी आ जाता है मैं किसी को मना नहीं करता। और मेरी अपील ये भी है सिरमौर न्यूज़ के द्वारा कि यदि कोई आपको या आपके या किसी दर्शक को कोई भी बेसहारा दिखता है जिसके पास कपड़े ना हो, वो आप हमसे जब मर्जी कांटेक्ट करें, हमारे पास अवेलेबल है कपड़े, जब मर्जी कंबल, उसके शरीर के कपड़े, कुछ भी चाहिए जी। जैसा कि अभी नाहन में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मंत्री राजीव सहजल ने आपको सम्मानित किया, इसके अलावा भी आपको पहले भी सम्मानित किया गया है समाज सेवा के लिए? हाँ जी 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 मेरे को पहले भी किया गया है, पहले मेरे को पोंटा प्रशासन ने भी करा था, SDM साहब ने करा था, चंडीगढ़ भी सम्मानित हुआ हूँ, हरियाणा में सम्मानित हुआ हूँ जी। तो एक युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए तो आजकल तो सबसे ज़्यादा जो संदेश चलता है बस यही है कि नशे से दूर रहें जी, बहुत ज़्यादा दूर रहें जी, नशे से दूर रहेंगे तभी सिस्टम ठीक रहेगा, अन्यथा तो बेकार है। माता पिता की सेवा करें। ये थे हमारे साथ समाज सेवी हेमंत शर्मा जी, जिनके बारे में हमने जाना कि वो किस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं। फिलहाल सिरमौर न्यूज़ में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sirmournews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।